तो दिल्ली के चुनाव में अब केवल 5 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली का चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। आज से चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई। पीएम मोदी की आज की दिल्ली के कड़कड़डूमा में एक विशाल रैली हुई। आज दिल्ली के कड़कड़डूमा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई। पीएम मोदी ने शाहीन बाग के धरने को विपक्ष की एक बड़ी साजिश और प्रयोग बताया। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे लोगों को तकलीफ देने वाले संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? जिस संविधान ने न्यायपालिका को बनाया और न्यायपालिका जो कह रही है उसको मानने को तैयार नहीं, और दुनिया को संविधान दिखा रहे हो। अब देखिए इस वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। पीएम ने कहा इस प्रदर्शन की वजह से लोग गुस्से में हैं। तो 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान है। सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कई इलाकों में रोड शो किया, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभाओं में शामिल हुए। तस्वीरें दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज यहां रोड शो किया। ये इलाका उस कड़कड़डूमा से ज्यादा दूर नहीं है जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में तूफानी तरीके से रहे योगी आदित्यनाथ ने भी आज कई सभाओं को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने अपनी ओर से तो यहाँ के लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं दी। केंद्र भी जो योजना देना चाहता था उन्हें दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के मुंडका में चुनावी सभा की और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। थोड़ा आप अन्याय कर रहे हो केजरीवाल साहब को। एक चीज में उनका नंबर एक आता है, मालूम है ना कौन सी? जोर से बोलो कौन सी? मित्रों, झूठ बनने की बोलने की स्पर्धा अगर करा दी जाए तो देश के सारे मुख्यमंत्रियों में आजीवन केजरीवाल का नंबर एक आ जाए, नंबर एक आ जाए।